और अब साधु बाबा भी झनक पर गौर करते हैं। उसके अंदर अचानक से जैसे संगीत का प्रभाव हुआ है और डर नहीं इस वक्त उसके आसपास भी, और जैसे वहाँ के लोग एक लोक नृत्य पर नाचते हैं और देखते ही देखते झनक की उंगलियाँ भी धुन पर थिरक उठती है। संगीत, नाच, गान भी बहुत बड़ा दवा तो होता है और ये साधु बाबा बखूबी जानते हैं। और अब झनक खुद ब खुद उठ जाती है। इतना सुंदर नृत्य करने लगती है कि साधु बाबा और बाकी लोग भी चकित रह जाते हैं। ये लड़की तो एक मझी हुई कलाकार है। नृत्य की हर शैली उसके अंदर समाई हुई है। बहुत बड़ी कलाकार है। और सभी अब झनक को देखने लगते हैं क्योंकि उसकी हर एक नृत्य शैली अद्भुत है, जैसे कि कोई बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती है ये लड़की, तालीम ली हो। और बस झनक तो चक्कर काटने लगती है जिसमें वो माहिर है। और अब धुन खत्म होते ही रुकती है झनक और चारों ओर देखती है। और अब खुद झनक चारों ओर देखते ही रहती है। डांसर्स तो कोई नहीं उसके आसपास। अद्भुत, बहुत ही सुंदर नृत्य किया है तुमने बेटी, अति सुंदर। ऐसा नृत्य करना तुमने किसे सीखा है? हमें भी बताओ, हम भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। नृत्य की यह विधा या शैली हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा बेटी, हमें यह बताओ, कहीं तुमने यह नृत्य पंडित ब्रजभूषण जी से तो नहीं सीखा है? पर अब साधु बाबा की ये पूछने पर झनक से कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके चेहरे पर कोई और भाव ही नहीं अब जैसे नाचते वक्त था। यदि उनसे नहीं सीखा होगा तो हमें याद पड़ता है कि उनके दो शागिर्द थे। मुझे नाम याद पड़ता है, हाँ, उनकी एक बहुत ही करीबी शागिर्द थी जिसका नाम था सृष्टि मुखर्जी, उसे सिखाए तुमने? यहाँ इन लोगों की बात कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेटी, अगर तुमने सृष्टि मुखर्जी से नहीं सीखा है तो तुमने उर्वशी से सीखा होगा। उर्वशी बिटिया, मेरे हाथों से खाना खाओगी? उर्वशी। पर अब जैसे झनक को कोई बहुत करीब का याद आया हो वैसा प्रतीत होता है उसके चेहरे से सबके सामने। क्या हुआ बेटी, तुम उससे बेचैन क्यों हो रही है? उर्वशी,
इस नाम से मेरा कोई नाता है जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। मैं बहुत कोशिश करी लेकिन मेरा सर। बेटी तुम उर्वशी को जानती हो? मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा कोशिश करो, सब याद आ जाएगा। और अब उर्वशी का नाम सुनकर झनक एकदम से घबराई हुई जैसी है। उसे कुछ याद आता भी है, वो इसलिए क्योंकि उसके सबसे करीब उर्वशी ही थी, उसकी माँ, जिसे खोने का गम कभी झनक को छोड़ा ही नहीं। तो क्या आप साधु बाबा को समझ आ गया है कि ये अजनबी लड़की जो इस वक्त उनके आश्रम में है कोई बहुत बड़ी नृतिका तो है? और उर्वशी के नाम से जब घंटी बजी है दिमाग में तो उसे सब कुछ याद तो ज़रूर आएगा बहुत जल्द। और ये कैसे संभव होगा देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड के हर एक अपडेट में, जहां आज झनक मिलेगी किसी खास इंसान से। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है झनक के जीवन का। शायद ये वक्त का ही तकाजा था, तभी तो झनक इतने सालों बाद ये आश्रम में आई है। ये वक्त ही लेकर आया है उसे वहाँ। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। Thank you.